पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एटीएस और एनआईए के द्वारा संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। इसके बाद ही मुरादाबाद मंडल में एक और हिला देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मिलिट्री जवानों का गोला बारूद गायब होने से हड़कंप मच गया। जवानों में जीआरपी स्टेशन पर अपनी तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद मंडल में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से मंडल सुर्खियों में आया हुआ है, लेकिन एक बार फिर मुरादाबाद उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब सेना के जवानों की 4 मैगजीन और 180 कारतूस, सेना के जवानों का बैग गायब हो गया। दरअसल जम्मू से लखनऊ जा रही मिलिट्री स्पेशल ट्रेन से जवानों के 180 कारतूस गायब हो गए। ट्रेन में एसएसबी के 70वीं रेजिमेंट के जवान मौजूद थे। ट्रेन जब बरेली के पास पहुंची तो जवानों को कारतूस गायब होने की जानकारी मिली, जिसके बाद जवानों ने आसपास कारतूस तलाश किए, लेकिन उन्हें कारतूस नहीं मिले। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद जीआरपी मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा एसएसबी के जवानों की ओर से लिखवाया गया है। एसएसबी के जवानों की गाड़ी थी स्पेशल, तो उसमें जवान के द्वारा एफआईआर लॉन्च कराई गई है कि 180 कारतूस जो है उसके गायब हुए हैं, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, तलाश की जा रही है। एसएसबी की बटालियन थी जो जम्मू से कोई इलेक्शन की ड्यूटी करके जा रहे थे लखनऊ की तरफ। सर, क्योंकि एनआईए की इस समय जांच चल रही है अमरोहा में और उसके बावजूद इस तरह का मामला जो सामने आ रहा है, तो क्या इसको कहीं ना कहीं संदिग्ध तलाशों में खोजबीन के लिए कार्रवाई कर सकते हैं? अब देखते हैं, इसमें वो फोर्स की खुद अपने आप में फोर्स के ही बीच में से गायब है, तो हर एंगल से उसकी जांच की जा रही है। सर, आर्मी के लोगों ने क्या मुकदमे में लिखवाया है, क्या वो ये चोरी हुए हैं या गायब हुए हैं? वही लिखे हैं, गायब है वो, चोरी में ही हमने उसमें मुकदमा कायम किया है। सर, क्या क्या सामान है टोटल? 180 कारतूस है। राइफल वगैरह कुछ? राइफल कुछ नहीं है।